हम जब बहुत सारे पुण्य एकत्रित कर पाते हैं, कई जन्मों के, पुराण तो ये कहता है, कई जन्मों के पुण्य इकट्ठे हो तो हमें किसी सत्संग में, कथा में, प्रवचन में जाने का सुअवसर मिलता है। और जब बहुत सारी कथाओं का पुण्य एकत्रित हो जाए, इकट्ठा हो जाए, तो तुम्हें शिव महापुराण सुनने का सुअवसर मिलता है। तो तुम सौभाग्यशाली हो और पुण्यात्मा हो, इसलिए मैंने पहले ही आपको प्रणाम किया कि मैं इस व्यासपीठ से आपको प्रणाम करता हूं। तुमने सबने उस स्तर पर पुण्य कर रखा है कि तुम्हें शिव महापुराण सुनने का अवसर लगे। शिव महापुराण आपकी भक्ति वेदांत सूक्त का आधार है। शिव महापुराण सुनने के लिए तुम्हारे अंदर भक्ति किस स्तर पर चाहिए? इस स्तर पर चाहिए कि यहां से वेदांत बोला जाए तो भी तुम्हें वही समझ में आए, तुम्हें वेद बोला जाए तो भी उतना ही समझ में आए, और केवल शिव 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 बोला जाए तब भी तुम्हें वेदांत सुनाई पड़े, इस स्तर की भक्ति होनी चाहिए।